नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में राज्य के गृह मंत्रियों के दो दिन के चिंतन शिविर को किया संबोधित। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इनकी प्रामाणिकता की जांच पर दिया जाना चाहिए जोर। कहा, लोगों का कानून पर भरोसा बनाए रखने के लिए समुची कानून व्यवस्था होनी चाहिए, विश्वसनीय। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मौजूदगी में राजभवन में राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा से की मुलाकात। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के आखिरी गांव शियोक से सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को किया समर्पित। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में पुल, सड़कें और हेलीपैड है शामिल। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पद प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के दो दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। उन्होंने कहा कि समूची कानून व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और लोगों का कानून पर भरोसा होना भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना 24 घंटे का काम है और इसके लिए व्यवस्था में निरंतर सुधार करते रहना आवश्यक है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। अब देखिए, हम 5G के युग में घुस गए हैं, तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और CCTV जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई, कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने राज्य के लोगों को त्वरित न्याय पर जोर दिया। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और आरडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री होनचुन ङामदाम के साथ आरडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 90% धनराशि मिलती है और इसके मद्देनजर धनराशि आवंटन के अनुसार 100% कार्य समय पर पूरे किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों से समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने और परियोजना राशि की लीकेज को रोकने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म विकसित करने को कहा। राज्यपाल ने विभाग को भविष्य को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही के साथ परियोजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने और विभिन्न स्तर पर कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का सुझाव दिया। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य मेजर जनरल गणेश सिंह बिष्ट और मेजर जनरल जार्किन गामलिन ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मिलकर उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। APPSC के इन दोनों सदस्यों के साथ अन्य सदस्य मिस मेपुम तादार बागी भी मौजूद थी। गौरतलब है कि अरुणाचल स्टेट कैबिनेट ने आर्टिकल 317 के प्रावधानों के तहत APPSC के चारों सदस्यों को हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंप दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन AE पेपर लीक के मामले की जांच अपने हाथों में ले लिए हैं। CBI ने इस हाई प्रोफाइल केस में एक प्राथमिकी दर्ज किया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए SP SIC अनंत मित्तल ने बताया कि SIC इस मामले से सभी सबूतों को CBI को सौंपने की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। And in that time of custody, we were able to understand their exact modus operandi, how they used to obtain the question papers, how they used to duplicate or copy the same, and how they used to supply these question papers to other people for pecuniary gains. Our teams have been visiting outstation a number of times. We have in fact gone to Shillong, to Guwahati, a number of times to Pasighat and above to Siang Belt, and also to other places in Arunachal. One of our teams was also on its way to Delhi to pick up one of the alleged. We've been looking at their financial transactions, and we have also been fighting our battles in court, where a number of them have approached court for bail. But so far, successfully, we have been able to maintain that none of them were gotten bail. Akhilesh Yadav was, however, granted bail yesterday by the Sessions Court, the Honorable Sessions Court. The SIC has with it conducted a number of raids across the state, in Pasighat, in Itanagar, in Naharlagun, in nearby areas, in Guwahati, where we have seized a lot of incriminating material. We have some leads with regard to one more candidate who unfortunately has been on the run, and he has been granted protection by the Honorable High Court of at Guwahati. So he is cooperating with us. However, his arrest remains pending once his protection is reviewed by the Honorable High Court. There is a gentleman called Jabom Chang Mengu. He is based out of Pasighat. He has also been named as one of the brokers in the case. The SIC has been very clear right from day one. Our mandate was to catch any and everyone who is involved in this case in any manner. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में देश के आखिरी गांव चियोग से सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड शामिल है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल आवासीय परिसर और 2 हेलीपैड का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन को अंतिम मील संपर्क प्रदान करने और सीमावर्ती राज्यों तथा सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्पण के साथ नई ऊंचाइयां छूने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और कई संसद सदस्य भी मौजूद थे।
सीमा सड़क संगठन BRO अपनी द्वितीय विशेष अभियान में सड़कों की ऊपरी परत और परत दोबारा बिछाने में प्लास्टिक के टुकड़ों के अधिकतम उपयोग का प्रयास कर रहा है। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को भी इससे तकनीकी बल मिलेगा। BRO ने भूटान में दंतक परियोजना के तहत फुएन शोलिंग थिम्पू मार्ग पर 4.5 किलोमीटर, वर्तक परियोजना के तहत बालीपारा चार द्वार तवांग मार्ग पर 2.5 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में उद्योग परियोजना के तहत रोइंग रुनु पाया मार्ग पर 1 किलोमीटर पर ऊपरी परत दोबारा बिछाने पर इस तकनीक का उपयोग किया है। मिजोरम में पुष्पक परियोजना के तहत हंथियाल सांगो सेहा मार्ग पर 5 किलोमीटर से अधिक और अरुणाचल प्रदेश में अरुणांग परियोजना के तहत हापुली सारली हुरी मार्ग पर 2 किलोमीटर फिर से सुने मार्ग पर 2 मिलीमीटर मार्ग के ऊपरी परत में प्लास्टिक के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। में पिछले 62 वर्षों से कार्य कर रहा है, हर वक्त देश की उन्नति में तत्पर यह संगठन दिन रात ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर नए रास्तों का निर्माण कर रहा है। BRO ने खुद को दुनिया की एक प्रतिष्ठित निर्माण इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़क, 848 स्थायी पुलों, 19 हवाई पट्टियों और 18 किलोमीटर लंबी सुरंगों का निर्माण सबसे दुर्गम इलाके और कठिन मौसमी हालात में सफलतापूर्वक किया है। BRO ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक तैयार किया है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस APYC की SOB और विस्तार से संबंधित कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव परितोष रॉय, उपाध्यक्ष राजन नानी, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जोश नाबामताना और APYC के प्रदेश अध्यक्ष स्टार जोनी सहित कई सदस्य मौजूद थे। मेरा संदेश यही रहेगा सबके लिए कि अंडर द एंड आई हैव वेरी गुड फेथ दैट दिस टीम एक्चुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ तारा जोनी जी, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके जो टीम है एक्चुअली दे आर वेरी वर्किंग हार्ड फॉर दिस पार्ट। और मैं आश्वासन आज देता हूँ कि तारा जोनी जी के नेतृत्व में, उनके टीम के नेतृत्व में, और ये संदेश मैं अरुणाचल के सभी यूथ को देना चाहता हूँ, जो आज बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आज प्राइस हाइक का मुद्दा है, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इसमें आप लोग फाइट कीजिए एंड आई एश्योर दैट दिस कांग्रेस गवर्नमेंट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन एकम्प्लिशिंग ऑल दिस ऑब्स्टेकल एंड टास्क। तो सेक्रेटरीज जितना भी सेक्रेटरीज का वैकेंट पोस्ट आज फिलअप किया, 25 से ज़्यादा लोगों को आज अपॉइंटमेंट दिया एट द लेवल ऑफ स्टेट सेक्रेटरी। आपदा प्रबंधन मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक तानफू वांगनाव और राज्य आपदा सचिव दानी सालू ने गुरुवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नहरलगन डेली मार्केट आग दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। श्री वांगनाव ने प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की और उन्हें सरकार के प्रावधानों के अनुसार हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। फायर ब्रिगेड को लेकर के आपका जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और हम लोग जो है इतना वो ओलुका तरफ से मैनेज कर रहा है, साथ में हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से जो है इसमें आपका पानी का सुविधा और फायर सर्विस का जो गाड़ी शॉप है ओलू को ये गवर्नमेंट की तरफ से पोके करना बोल के ये बात को चल रहा है। नहीं देखिए ये सब दीपावली के समय में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं हर एक जगह में ये सब फायर का इंसिडेंट होता ही है, ये सब हम लोग जो है देख के आया है, अरुणाचल वासियों को मालूम है कि ये क्या होता है कि दीपावली में जहाँ तहाँ चला फरकता बजाता है और आपका बम फटाता है उसी में से कहीं लग गया होगा, इसे भी हो सकता है, नहीं तो कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है। तभी जो है आपका ये अरुणाचल में देखने मिला है कि आपका दीपावली के समय में ही ये सब इंसिडेंट कहीं न कहीं होते रहते हैं। आत्मनिर्भर अरुणाचल की थीम पर गुरुवार को अपर सियांग जिले के मारियंग अंचल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोलुम में सेवा आपकी द्वार शिविर लगाया गया।
इस शिविर का उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त हागे लाइलांग ने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और आत्मनिर्भर भारत मिशन में शामिल होकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। इस शिविर में मारियांग के जिला परिषद सदस्य बोमजिन बितिन, एडीसी दोचारा लामा और अकान रेगोन सहित सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे। इस शिविर में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, स्वास्थ्य की जांच कराई, कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जा रहे उन्नत बीजों को लिया और जरूरी प्रमाण पत्र बनाए। ऑर्डर का मतलब ये है कि गाँव को सिलेक्ट करना है, उसको सैचुरेटेड करना है 100%, मतलब जैसा कि आधार कार्ड है आपका, जितना भी गवर्नमेंट का फैसिलिटी जो स्कीम है ना, उसको 100% सिचुएट करने के लिए हम कुलूंग को चुना है। यहाँ में एसटी पीआरसी आधार कार्ड, उसके बाद आपका आर्म लाइसेंस रिन्यू, इनर लाइन परमिट, ये सब का जितना भी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट सब दे रहा है, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है उसको पूरा। विहंगम योग संगठन द्वारा पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित एनडीआरएफ के कैंप में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। सन परबर विज्ञान देवी जी महाराज के 44वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस रक्तदान शिविर में सभी वर्ग के लोगों ने रक्तदान किया और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। आज हमारे सन परबर विज्ञान देव जी महाराज के 44th जन्मदिवस है। इस संदर्भ में हम पूरा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम सारे 127 कंट्रीज में ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हमारे विहंगम योगा संस्था से चलाए जा रहे हैं और आज हम हमारे अरुणाचल के ईटानगर हमारे 12th बटालियन एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में आज लोंगडिंग जिले के गामदिंग में युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा मैत्री वॉलीबॉल मैच आयोजित किया गया। इस अवसर पर युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में भी जागरूक किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।